सोच रही है। ब्रांच बोलेंगे पहले। हाँ। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटरोगेशन करो। चलिए छोड़ देते हैं ये। शुभ्रांश राय यही अमन जी के शो पर आकर मनीष सिसोदिया से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है, दिल्ली कांग्रेस पोस्टर चिपकाती थी, अब बताइए शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट तो बाद में, आपको तो कन्विक्टेड कोर्ट में चारा चोर को आप चारा चोर नहीं बोल पा रहे हो। नहीं नहीं, हो सकता अब समय के साथ दो महीने में बदल जाता है ना शुभ्रांश, अभी जो भाटी जी ने बताया तो शराब घोटाला भी खत्म हो गया होगा। शराब घोटाला हुआ था, जवाब दूं मैं। हां जी हां जी, शराब घोटाला हुआ था। प्लीज सुबह का भ्रष्टाचारी अगर शाम को घूमते घामते कमल छाप साबुन से नहा लेता है ना, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। ठीक है, एक सुबह का बयान देने वाला शाम को अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो जैसे 2014 का शहजाद बयान दिखा रहे हैं, इनके भी बहुत सारे बयान पड़े हैं इसी गूगल पे। खैर ये बात चर्चा नहीं करते, राजनीति जो है एक अवसर का विषय है, मिलता है सबको करना चाहिए, इस विषय पर कोई शिकायत नहीं। लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट बात है जिसपे 2024 का चुनाव होगा। बड़े भोले हैं शहजाद भाई, गांव के लोगों का आयुष्मान योजना पर इन्होंने कहा कि उनके पास मोबाइल नंबर नहीं होता है। शहजाद हर शो में छाती पीट पीट के कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर करा रहे हैं मोबाइल में मोदी जी, जितने इनके रिकॉर्ड देख रहे हो देख लीजिए। तब वो वाले किसके नंबर पर ट्रांसफर होते हैं? बैंक अकाउंट में होते हैं भाई साहब, उसके लिए भी मोबाइल नंबर अकाउंट में जमा होता है, जनधन अकाउंट में होता है। अब मतलब जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर में अंतर नहीं पता इनको, बीच में यही कांग्रेस की समस्या है। जनधन में जाता है अकाउंट में, 48 करोड़ अकाउंट है इस देश में। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अकाउंट और मोबाइल नंबर में अंतर कीजिए पहले। सामने यूथ बैठे और इत्तेफाक से सारे लॉ के स्टूडेंट हैं। अरे भाई मोबाइल और बैंक अकाउंट में अंतर नहीं है, यूथ को ही पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, सुन लो, किसी के पास बैंक अकाउंट होना वो मुफ्त है, मोबाइल फोन की कीमत होती है। मान्य और सुनो सुनो सुनो, नहीं गुस्साते ये अभी पांच आपने, मैंने आपको वही बोल रहा हूँ, नहीं गुस्सा नहीं रहा हूँ मैं आपकी मूर्छा पर। आश्चर्य कर रहा हूँ आप इतने मूर्ख हो सकते हैं क्या कांग्रेस राहुल जी के? सुनो तो थोड़ी जाना आपको, आधुनिक आधुनिक चालाक आदमी को ही मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि ये बताना भूल गया शहजाद कि आज बैंकों में अगर आपके आधार के साथ पैन और बैंक अकाउंट नहीं लिंक है तो गाँव में 1,000 रुपया चार्ज होता है, क्योंकि शहजाद गांव के लिए मोबाइल से भाई मोबाइल भाई उसी मोबाइल से आधार लिंक है, उसी मोबाइल पे बैंक लिंक है। मोबाइल होना जरूरी नहीं है, आधार ही और जनधन यार। प्लीज बोले जा रहे हैं, नहीं मालूम, झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं मालूम तो 50 किलोमीटर दूर गांव जाइए, दोस्त नहीं मालूम है। एक क्या मोबाइल नंबर जरूरी होता है आधार के लिए? एक मोबाइल नंबर जरूरी होता है जनधन के लिए? ये गांव तक गए ही नहीं ना, ये राहुल गांधी के साथ घूमते फिरते हैं, इनको गांव का पता नहीं है। अगर फिर से उसमें लिखा गया है जो विवेकानंद जी कहा था, उसमें गुस्सा नहीं करते, मानिए कि आपको नहीं मालूम, स्वीकार करिए। आ जाइए पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है, पॉइंट पर आ जाइए। तो कहने का मतलब ये नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार है। और एक और इंपॉर्टेंट, आपका मोबाइल नहीं होगा तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, सुन लो। नहीं बोल, बता दीजिए, आपका मोबाइल अगर नहीं होगा तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, सुन लो मान्यवर। ये विवेकानंद जी ने बोला है, जरा सोच समझ कर भी बोला, केवल बोलने के लिए ना बोले राहुल गांधी। आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आधार पैन और मोबाइल तीनों लिंक हो रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। अगर जिस किसी का गलती से 30 जून तक नहीं हुआ, अभी तो हम अगस्त मिड में बात कर रहे हैं, तो एसबीआई यूनियन बैंक तमाम गांव के सरकारी बैंक 1,000 रुपया ले रहे हैं। अगर मोबाइल फोन से लिंकिंग आधार का कंपलसरी नहीं है, आप कहां से नहीं करते भाई, प्लीज रुक जाइए। बैंक अकाउंट का आधार से मालूम है कि जब आपके मोबाइल शराब घोटाला, दिल्ली पे आ जाइए, दिल्ली दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली पर आ जाइए, ठीक है, शराब घोटाला हुआ। एक सेकंड, अब रुके एक मिनट प्लीज, अब रुके, उस पर जवाब देंगे ना, ये उसी पे दूंगा, रुक जाइए पहले। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप 2024 में एनडीए लड़ने जाएगी ना, IN.D.I. इंडिया से लड़ने जाएगी, तो भारत के लोग पूछेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में प्राइवेट ट्रस्ट अपना बनाया था पीएम केयर फंड, जिसमें अमन चोपड़ा ने भी पैसे दिए थे, इत्तेफाक से सब लोगों ने दिया था, जिसकी कोई जांच नहीं होती, जब लोगों ने आरटीआई में पूछा तो पता चला ये प्राइवेट फंड है, वो प्राइवेट फंड कहां गया? तो लोग ये पूछेंगे, यकीन मानिए दोस्त, 2024 के चुनाव में अगर आज भ्रष्टाचारियों का कोई सरदार है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो मेरे प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क बनवाकर वो भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं। और देश ये पूछेगा, क्योंकि युवा बेरोजगार है और नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले सूट बूट वाले भ्रष्टाचार में मस्त है। भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? एक और, एक मिनट, ये जो पीएम केयर्स के बारे में इतना झूठ फैलाते, सुप्रीम कोर्ट तक ये आर्ग्यूमेंट लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पेटिशन को खारिज कर दिया।
कि पीएम केयर्स फंड प्राइवेट ट्रस्ट है, उसमें पैसा जो है अनअकाउंटेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है मान्यवर, बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करे इनको, गलत हो जाता है। प्राइवेट फंड में पैसा मांगने का देश से अब आ जाते हैं पॉइंट पर। अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया जो अंदर हैं शराब घोटाला मामले में, वो सही या नहीं? देखिए अमन, मुद्दे की दो बात है, गठबंधन वर्तमान और भविष्य की बात है जो होगी, लेकिन जो हुआ है वो उसको सत्य को कोई नहीं बदल सकता। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है तो हुआ है। दिल्ली के पुराने स्कूलों को जो शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना से लेकर साहिब सिंह वर्मा ने बनाया, उसको रंग रोगन करके सुंदर बनाकर फिर से अपने स्कूल का सर्टिफिकेट जो मान लू उसके लिए नहीं, सुनिए जो हुआ है वो हुआ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये मैं मान लू कि ये भी विवेकानंद जी ने कहा था कि बड़ी जीत के लिए घोटालेबाजों से हाथ मिला, विवेकानंद जी ने कहा नहीं कहा था ना, तो आपने घोटालेबाजों से हाथ मिलाया, हाँ या ना? बड़ी जीत घोटालेबाजों से हाथ मिलाया सर, प्लीज। अब जैसे आपका सवाल पूछ रहा हूं भाई, विवेकानंद जी ने कहा था कि एक महाभ्रष्टाचारी को हटाने के लिए जो 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क बना रहा है, पर चिपके हुए शराब घोटाला भी तो हुआ भैया, लालू पर तो कन्विक्शन हो गया ना सुभाष जी, वही बात बोल रहा हूँ, आपने भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों से हाथ मिलाया, हाँ या ना? मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब मुझे दीजिए, ये अच्छा दीजिए, जवाब तो दीजिए, आप इन्हें क्यों मजबूती दे रहे हैं, आप उनको कवर फायर दे रहे हैं। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, मैं तो लालू के भी खिलाफ हूँ और उधर भी भ्रष्टाचार हुआ, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, हम सब सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आप लालू को भ्रष्टाचारी बोलकर दिखा दीजिए आज, मैं सुन तो लीजिए, बोल के दिखा दीजिए आप, बोलिए लालू भ्रष्टाचारी। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, मैं 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क जिसपे सोने और हीरे जड़े हैं उसको संरक्षित करने वाला आदमी महाचारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, नरेंद्र मोदी है वो, आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है, पूछेगा ये वही सी है। क्या होता है सवाल होगा, टेररिज्म मैंने सुना पड़ेगा, उसमें होता था गुड टेरर बैड टेरर, इनका वाला नया है, ये है गुड करप्शन बैड करप्शन, आपका वाला गुड करप्शन है, इनका वाला बैड करप्शन है, भ्रष्ट भ्रष्ट है वो, चाहे सुनिए चाहे अजीत पवार का भ्रष्ट का, चाहे लालू का हो, चाहे लालू का हो, घोटाले का मामा शिवराज सिंह चौहान, चाहे लालू का हो भ्रष्टाचार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो भ्रष्टाचार है, चाहे वो सुन लीजिए, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर का भ्रष्टाचार हो कि एक हवा के झोंके पे मूर्तियां टूट जा रही है, तो इन भ्रष्टाचार की जांच होगी, चाहे तमाम वो वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर एक भैंस के टकराने से ट्रेन टूट जा रही है, इसकी जांच होगी, ये महाभ्रष्टाचार है नरेंद्र मोदी जी का, इससे वो बच नहीं सकते। भारत से भैंस टकरा गई इसलिए फायर आप भी नहीं दे पाए, वंदे भारत से भैंस टकरा गई इसलिए आपका पीएम होना चाहिए, किसका है ना जी, नहीं वो भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए देश को नया पीएम चाहिए जो कम से कम देश की बात करे, देश निर्माण के कौन, राहुल राहुल का नाम कौन, राहुल जी नरेंद्र मोदी जी ने आए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश विक्रेता की भूमिका में कौन आपके साथ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बिल्कुल, देश निर्माण के नाम पे देश विक्रेता का काम किया, ये देश नहीं। अच्छा, मैं भाटी जी के पास जा रहा हूं, पता नहीं कितने संसाधन भेज डाले। इंडिया का एक एक कैंडिडेट ही बीजेपी के कैंडिडेट के सामने होगा, पूरे देश में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। आपने बोला पीछे की तरह साफ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड, कांग्रेस कहां लीड करेगी वैसे, एक कांग्रेस वो कांग्रेस सबके साथ है, सभी साथ है, मोदी जी ने बकायदा सबको इंस्ट्रक्शन दे दी, सब मंत्रियों को, सब एमपीओं को, सब कार्यकर्ताओं को बता दिया कि 9 साल के जो काम है उस पर वोट मांगना है, यहाँ पे एक आदमी को वोट नहीं मिलता है।